मेरे साथ चतरा जिला के रहने वाले अनिल दांगी हैं। अनिल दांगी 2017 में हुई परीक्षा TGT में शामिल हुए थे, जिसका रिजल्ट 8 जून 2023 को आया। 6 साल बाद आए रिजल्ट में ये सफल हुए, लेकिन इनके रिजल्ट की सूचना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना किसी भी माध्यम से इन तक नहीं पहुंची। ये बता रहे हैं कि ना ईमेल के जरिए पहुंची और न ही पोस्ट के जरिए, जो है डाक के जरिए इनके घर तक पहुंची। और अब हुआ ये कि इनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। ये परीक्षा में सफल भी हो गए हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है, हो रही है। ये लगातार राजधानी रांची में अलग अलग जगह पर दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अनिल जी, क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं आप? सर, मेरा नाम अनिल दांगी हुआ सर, ग्राम बेलहर, प्रखंड पतलगड्डा, जिला चतरा का दिव्यांग छात्र हूँ सर। मैं 2016 का जो TGT, जो 2016 का वैकेंसी था, एग्ज़ाम 2017 नवंबर में हुआ। उसके बाद है सर, क्या हुआ कि शुरू में मेरा नहीं हुआ था किसी कारणवश, उसका 11-13 का जो कोई मामला था। उसके बाद राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में 6 साल के बाद रिजल्ट जारी किया जाता है। 8 जून 2023 को रिजल्ट जारी किया जाता है, और जिसमें मेरा भी लिस्ट में नाम है सर। राज्य स्तरीय 2400 डिस्ट्रिक्ट का चुनने का मौका दिया है, हमें किसी भी माध्यम से मतलब सूचना प्राप्त नहीं हुई। हमको 4 जुलाई से को हमको बताएं कि मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका भी हो सकता है, क्योंकि आप दिव्यांग है और सभी लोग को मौका दिया जा रहा है, तो हमको कोई बताया फिर सर, क्योंकि किसी माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ ही नहीं। ना मेरे पास ईमेल आया, न कॉल आया, न जो बाय पोस्ट था उसके माध्यम से भी किसी प्रकार माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ सर। अब हम क्या करें? उसके बाद हम JSSC ऑफिस गए सर। तो मैं बता दूं सर, JSSC ऑफिस में सर हमसे बातें बढ़िया से नहीं करते हैं और बोलते हैं कि हटाइए उनको, अमल कम से बात तो सुनना चाहिए सर। तो उसके बाद सुनना चाहिए तो वो भी नहीं सुनते हैं। CM आपकी नौकरी हो गई, फिर भी अब नहीं हो पा रहा है, चूंकि ये सूचना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपके घर तक नहीं पहुंचा। नहीं सर, हमको किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ सर। उसमें मेरे पास मोबाइल नहीं था, गांव स्तर पर रहते थे सर। अब ग्रामीण क्षेत्र में सर, अब ग्रामीण क्षेत्र में तो वहां पर मोबाइल करते हैं पिताजी। पिताजी मजदूरी करते हैं सर, मजदूरी करते हैं। और अब क्या हुआ कि अभी 2024 में सर, मेरे भैया के जो डिप्रेशन के शिकार में थे, हम लोग भी थे कि मेरा रिजल्ट है नहीं, मेरा रिजल्ट है ना। अब अचानक एक दिन खेती में काम करने के सर, अब मेरे भैया के निधन हो गया, करंट लगने से हो गया। अब क्या हुआ कि खाने तक नहीं मिल रहा, मतलब जो होता है दस घर में सब जो होता है ना सर, दस घर ये सब कोई नहीं, मतलब गांव के लोग मामा जी इन लोग ऐसे करवाएं, अपना पैसा से करवाएं सर। उस समय जो कि राज्य के माननीय विभाग मंत्री सर जी सर है, मेरे घर में आए भी और इमोशनल कहें भी, बहुत स्थिति बहुत ही खराब हो गया है। तो फिर बोले कि ठीक है, मेरे तरफ से जितना सहयोग होगा हम करेंगे, संवेदनशील मुद्दा है। और आप कोई नहीं सुन रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं सर। आप दो को बेट क्या चाह रहे हैं आप? हम चार हैं सर, यही चार हैं माननीय जो कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री सर से हैं, कि एक बार मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए, क्योंकि अभी भी है सर नियुक्ति के लिए इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी भी करवाया जा रहा है। अभी भी हो सकता है कि 4 दिन या 5 दिन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसी लिस्ट में मेरा भी है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मौका दिया जाए सर, क्योंकि यह राज्य स्तरीय का है और 2400 डिस्ट्रिक्ट चुनने के लिए अवसर दिया। और यदि नहीं ऐसा हो जाएगा तो मेरे पास मतलब आत्महत्या करने कुछ उपाय नहीं सर, क्योंकि हम क्या करें, दिन भर कभी हम ट्रेन पर वहाँ रेलवे स्टेशन पर कभी रहना पड़ता है रांची जाना। कब पता चला कि आपकी नियुक्ति हो गई है? चार जून को हमको पता चला है सर। कोई बताया हमको कि 4 जून को कि आपके देखें लिस्ट में पूरा है सो उन लोग मतलब क्या वेबसाइट में देखें, हाँ सर लिस्ट में उन लोग देखें। तब उसके बाद लिस्ट जो निकला था रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, ये करीब 6 साल बाद फिर से रिजल्ट निकाला गया था, और इस रिजल्ट में ये जो है 281924-1928 ये अनिल दांगी जी का है, और इसमें जो है इंग्लिश में जो 41 टोटल कैंडिडेट हैं उसमें ये बताए गए हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्हें बुलाया गया था, लेकिन ये सूचना इन तक नहीं पहुंची। ये बता रहे हैं कि मजदूर परिवार से हैं, इनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, और चूंकि 6 साल बाद रिजल्ट आया तो हर दिन इंटरनेट पर जाकर ये रिजल्ट देख भी नहीं सकते। आप देखिए 60% जो है ये दिव्यांग हैं, और इस बात को लेकर लगातार दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन आयोग से लेकर सरकार में कोई इनकी सुन नहीं रहा है। बहुत ही ज़रूरी है इन्हें नौकरी की, ये TGT की जो वैकेंसी करीब 17,000 वैकेंसी निकली थी, अभी बहुत सी सीटें खाली हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भी रहा है, तो ऐसे में अनिल दांगी जी को ज़रूर एक मौका
मिलना चाहिए, यही ना? ये सर, हमें आपके चैनल से माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सर कि मैं अभी तक जो भी पढ़ाई किया हूँ सर, बच्चों को पढ़ा करके 2007 में मैट्रिक पास किया हूँ सर, जहाँ पर भी रहा हूँ सेंट कोलंबस कॉलेज में, चतरा कॉलेज चतरा से बीएड किया हूँ सर, तो मतलब पढ़ाई करके अपना हम जी को उपार्जन किए हुए सर, मतलब मम्मी पापा मजदूरी करते हैं, भाई का भी ऐसा मजदूरी करते थे, तो मेरे कहने कुल मिलाकर कि मेरा सो गाँव मतलब घर की स्थिति भी बहुत ही ख़राब, मतलब 2 जून खाने की रोटी भी नहीं मिलता है सर। अब बताइए अभी मेरे पास जॉब ऐसे कम से अभी हो जाएगा सर, तो हम पूरा माननीय मुख्यमंत्री सर को दिल से धन्यवाद मतलब कहूँगा सर कि आपके चैनल के माध्यम से मेरा कम से कर दिया जाए, ना तो मेरा आत्महत्या कर लूँगा, एक ही उपाय सर कि आत्महत्या कर लूँ, नहीं सर मतलब क्या करें सर, दिन भर मतलब एक टाइम खाते हैं फिर दिन भर रहते हैं सर, मतलब भूख पता नहीं क्या हो गया सर, अभी मतलब 3-4 महीना से बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन के शिकार में हो गए सर, तो कम से आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारी पदाधिकारी जैसे से आयुक्त से हैं कि कम से मेरा नियुक्ति इसी में कम से कर लिया जाए, क्योंकि मेरा रिजल्ट आ चुका है सर, रिजल्ट मेरे पास है सर, तो कम से कर लिया जाए, यही मैं विनती करता हूँ सर से। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहाँ है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.